नमस्कार, आप देख रहे हैं बंशीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। जिले को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयासरत एसपी श्रीकांत सुरेश राव का प्रयास रंग ला रहा है। जिले की पुलिस टीम लगातार सफलता हासिल कर रही है। आज जो सफलता हाथ आई उस बाबत बताएं कि एसपी को सूचना मिली कि शहर थाना क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा ने घरों में छुप छुपा कर गांजे की बिक्री की जा रही है। उसी सूचना के आलोक में SDPO बहामान टूटे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उप टीम द्वारा मुख्यालय के तीन जगहों पर छापामारी की गई, जहां से एक महिला सहित तीन गांजा विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1.5 किलो गांजा और उसे वजन कर बिक्री करने वाला तराजू बरामद किया गया। गढ़वा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चला जा रहा है। इसी क्रम में 7 जनवरी 2020 को सूचना मिली कि ग्राम टंडवा में एक महिला द्वारा अवैध गांजा का कारोबार किया जाता है। इस संबंध में सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई होती हुई एक टीम गठित की गई थी। टीम के साथ जब उनके घर पर छापामारी की गई तो उनके बदन और घर में तलाशी लेने पे कुल मिलाकर के 1050 ग्राम गांजा की बरामदगी की गई और साथ में उनके यहाँ से एक वजन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद हुआ है। और उसके द्वारा बताया गया कि एक गोरख पासवान जो बगल का ही है, उसके द्वारा भी अवैध गांजा का बिक्री किया जाता है। जिस संबंध में उनके यहाँ छापामारी करने से उनके यहाँ तलाशी लेने पर कुल मिलाकर के 330 ग्राम गांजा की बरामदगी की गई। और उनसे फिर अग्रतर पूछताछ में फिर आया कि नामधारी कॉलेज के गेट के पास एक इमरान अंसारी का दुकान है, वहाँ भी अवैध गांजा की बिक्री की जाती है। तो इस संबंध में वहाँ भी जाकर के छापामारी और तलाशी ली गई, जिसमें कुल 165 ग्राम गांजा की बरामदगी इमरान अंसारी के पास से की गई। कुल मिलाकर के 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी है और इसमें कांड अंकित करके 3 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।